जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना था। कंप्लीट वेटेड एवरेज रहेगा, नहीं वेटेड एवरेज से था, 5% तो हो गया, हो गया प्लीज। फिर मसला पेज 47 निकल रहा है। जॉनसन्स आपने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 विद वेटेड एवरेज। सॉरी पेज 48 सर, एक एग्जांपल करना रहा हूँ। ये सेकंड और सबसिक्वेंट डिपार्टमेंट लिखा होगा, एग्जांपल डिपार्टमेंट 1 प्रोसेसेस के लिए कभी कभी डिपार्टमेंट वर्ड भी इस्तेमाल होता था। प्रोसेस 1 डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 1 एक ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट है, इसका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। यूनिट स्टार्टेड का मतलब इनपुट कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द पीरियड इन द डिपार्टमेंट है, मटेरियल लेबर वर्क्स। यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आउटपुट, और देख वर्क इन प्रोसेस के 4000 यूनिट्स है। ऑल मटेरियल मींस मटेरियल लग गया है, कन्वर्जन हाफ हुई है, नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स है। फिर डिपार्टमेंट 2 का कोई नाम टेस्टिंग डिपार्टमेंट रखा हुआ, यहाँ भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। यूनिट्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट 1 में से हुए हैं वो वही है जो 1 से ट्रांसफर हुए हैं, वही इनपुट हो जाएगी यहाँ। कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड लेबर ओवरहेड है, कोई फर्दर मटेरियल नहीं है। यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 40,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 3000 यूनिट्स हैं जो 1/3 कन्वर्जन के एंगल से पूरे, नॉर्मल लॉस है। रजिस्टर खोलो, सर जाने दें, सर बना लेते हैं। सर डिपार्टमेंट 1 का क्लोजिंग डिपार्टमेंट 2 में ओपनिंग बनेगा, वो सोच के देखते हैं सर, अगर आप कहेंगे तो बना लेंगे। इस क्वेश्चन का मकसद यही चीजें क्लियर करना है, बनाई नहीं प्रोसेस होना। जी सर प्रोसेस हो, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट, ब्रॉट डाउन यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स 50,000। जी नहीं वो गलती से टाइप हो गया था, यूनिट्स स्टार्टेड इनपुट यूनिट्स। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल 24,500, लेबर
Process one debit, material account credit, process one debit, labor credit, and factory overheads will. Process one debit, factory overheads credit. ये applied वाली entry है या actual वाली? Absorbed वाली है या actual वाली? ये absorbed वाली है. Actual बताएं कितने? ये कैसे पता चला ये absorbed? Absorbed absorption rate के बेस पे नहीं होते. देखिए अगर information नहीं है हमें तो we assume जो absorbed है वही actual. हमें information होगी तो हम differentiate कर सकेंगे. तो ये हमने जो लिखा है 28-200 ये absorbed के तौर पे लिखा तो है, लेकिन अगर data में actual की information नहीं है तो we assume यही actual है, means under over absorbed नहीं है. लेकिन बहरहाल ये हमने जो लिखा है एक्चुअल समझ के लिखा है या अब्सॉर्ब समझ के? अब्सॉर्ब समझ के लिखा है क्योंकि इसकी एंट्री क्या है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट. यही एक्चुअल भी है फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, और देयरफॉर बट अंडर ओवर अब्सॉर्ब नहीं. अंडर ओवर अब्सॉर्ब तभी है अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन हो कि अब्सॉर्ब और है एक्चुअल. फाइनली एक्चुअल लिखा, अब्सॉर्ब लिखा, अब्सॉर्ब लिखा क्रेडिट साइड पर. प्रतीक से चलो यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट की एंट्री बता दो. प्रोसेस टू डेबिट या टेस्टिंग डिपार्टमेंट डेबिट करना. प्रोसेस वन क्रेडिट, कितने यूनिट्स है आगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 4000 यूनिट्स. नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के सामने एक्चुअल आता है या एस्टिमेटेड आता है? नहीं यूनिट यार, एस्टिमेटेड आते हैं, एक्सपेक्टेड आते हैं. लेजर बैलेंस करें. बैलेंसिंग फिगर बताएं यूनिट्स में. ना होने का मतलब एक्चुअल लॉस जीरो है? थाउजेंड के है. नॉर्मल मीन्स एक्सपेक्टेड है. नॉर्मल के सामने है तो एक्सपेक्टेड ही लिखा ना हमने, लेकिन डिफरेंस ना होने का मीनिंग क्या है सर? एक्चुअल भी यही है, जो एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल. ठीक है, अब नॉर्मल लॉस अगर आ जाए फिर क्या मीनिंग होता है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हुआ. और अगर अब नॉर्मल गेन आ जाए तो एक्सपेक्टेशन से कम लॉस हुआ. और अगर ना नॉर्मल आए ना गेन आए ना लॉस आए तो एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल. ठीक है, यूनिट्स में तो डिफरेंस है, 50,000 इनपुट हुई थी, आउटपुट कितनी है? 45,000. और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 4,000 है, तो यूनिट्स 1,000 गायब हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्टेड थे? एक्सपेक्टेड थे और गायब हैं, एक्चुअल भी है. ठीक है, डिफरेंस ना आने का मतलब एक्सपेक्टेशन से ना ज्यादा है ना कम है. सही, ठीक है सर. अगला स्टेप जी, बिल्कुल सही है जी. नॉर्मल लॉस की रिकवरी वाली गिवन नहीं है तो नॉर्मल लॉस के सामने कॉस्ट लिख देते हैं. कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू है नहीं, डैश. अच्छा, डाटा इधर मुश्किल नहीं है जरा, इसका मकसद असल में क्या है इस डाटा का वो मैं अभी साथ साथ बताता हूँ. आगे चलो साथ साथ रहिए. पर यूनिट की वर्किंग से, पर यूनिट की वर्किंग करते हुए फाइफा लगाए या बेटी का बीज? ओपनिंग ही नहीं है, ओपनिंग ही नहीं है तो ये बहस की जरूरत नहीं है. लेकिन आज सर इस तरह करें, डायरेक्टली पर यूनिट लिख के उसकी बेस बनाने के बजाय आज जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और उसका फिर सीक्वेंस इस तरह से जरा रख लें, अक्सर आपको बुक में भी इस तरह मिलेगा इसलिए मैं कह रहा हूँ. पहले फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बना लिया करें, और फिर जब यूनिट्स आ जाए तो फिर पर यूनिट की वर्किंग कर लें. तो पहले जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स की हेडिंग लिख लें, इक्विवेलेंट यूनिट्स.
टेबल बनाने से पहले सीक्वेंस यही है कि पहले टेबल बन जाए, फिर पर यूनिट आ जाए, लेकिन पहले पर यूनिट की वर्किंग पे चेक ना है। आपको ये पता है, डाटा देख के बताएं कि पर यूनिट निकलना किस किस का मटेरियल, मटेरियल कहाँ से नजर आ गया है, यही तो निकल गया वर्किंग प्रोसेस का। सही, पर यूनिट किसका निकलते हैं, कॉस्ट कंपोनेंट्स के निकलते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड से निकलते हैं, आउटपुट के भी निकल आए हैं, वर्किंग प्रोसेस का भी निकल आया है। मैं रुका रहता तो सेलिंग एडमन तक भी, नॉन करंट एसेट्स तक भी गेम चले जाने, इक्विटी का भी निकल आना था। सही, पर यूनिट किस चीज का निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकला करता था, और कुछ जमाने से हमें पता चला है कि हर कॉस्ट कंपोनेंट की अगर बेस अलग अलग हो जाए तो फिर अलग अलग हो जाता है। तो कॉस्ट कंपोनेंट्स ढूंढने अपने सवाल में किधर होते हैं, लेजर में, डेबिट साइड पे लेजर में होते हैं, मटेरियल लेबर। हाँ मटेरियल नजर आ रहा, मटेरियल कहाँ से दें, नजर आई जा रहा, मटेरियल है कहाँ, अच्छा मटेरियल जी बताएं कितने कॉल, कितना उसे गुजारा है, किस किस को इकट्ठा किया जा सकता है, इससे क्या वजह है, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन से तो दो काफी हैं, कॉस्ट कंपोनेंट्स के पर यूनिट निकलते हैं, लेकिन किसको इकट्ठा किया जा सकता है, विच हैज सेम स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो एक मटेरियल का निकलेगा और एक कन्वर्जन का इकट्ठा हो सकता है। तो पहले पर यूनिट भी आए नीचे टेबल पे वापस आता है। ये प्लीज क्लियर है, रेट किसके निकलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के निकलते हैं, लेकिन अलग अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि मटेरियल के एंगल से ऑल कंप्लीशन है, कन्वर्जन के एंगल से हाफ कंप्लीशन है, तो फर्क पड़ जाएगा। देन अमाउंट्स बता दूंगा, तो मटेरियल की अमाउंट ही बता देंगे, 24500। कन्वर्जन प्लस कर दें 29140 प्लस 28200, 54 से या वेटेड एवरेज से, अच्छा क्या ये सकता है, अगर सोचा जाए तो 54 से हो रहा है, 54 से हो रहा है, हम ओपनिंग कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन अगर वेटेड एवरेज से भी कर रहे होते तब भी यही क्यों होता, ओपनिंग ही नहीं है, अगर वेटेड एवरेज हो तो होना क्या होता है, इसमें ओपनिंग अमाउंट ऐड होनी थी, तो ओपनिंग अमाउंट है ही नहीं, ओपनिंग यूनिट ऐड होना था वो भी नहीं है, तो फिर ये किस मेथड से हो रहा है। अब दोनों कह दें बेटा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फाइफो से हो रहा है, दोनों से हो रहा है, इसी से करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है, जो हो रहा है खुद ही हो रहा है। जी सर जी, अब ये मैंने जो आपके सामने कुछ अमाउंट्स लिखी हैं, सीरियस नहीं मेरी बात को, इन अमाउंट्स की बेस अब ढूंढनी है हमने सीधी टेबल में, आज तो इक्वल यूनिट्स में कितने कॉलम बन जाएंगे, जितने पर यूनिट होंगे उतने कॉलम होंगे, मेक द थिंग सिंपल, मटेरियल की अमाउंट की बेस में यूनिट्स लिखने हैं और कन्वर्जन की अमाउंट की बेस में कन्वर्जन के यूनिट्स लिखने हैं, इस टेबल में कितने कॉलम होते हैं, जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होती है। ठहर जाए, आपके लिए है, इसका कोई अंधाधुंध फैसला करने की जरूरत नहीं है, लेजर देखें आप, प्रोसेस टू में कितने यूनिट्स जा रहे हैं, ओपनिंग में से कितने हैं, नहीं वो एक ब्रेकअप होता था ना पहले, एक ब्रेकअप हो रहा था कि ओपनिंग में से कितने हैं, उस ब्रेकअप की कोई जरूरत नहीं है, ओपनिंग है ही नहीं, क्या 50,000 से ही बने, 50,000 से ही 45,000 पूरे हुए, इनपुट से गए ना, और बाकी 5,000 में से 1,000 लॉस है और 4,000 क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, 4,000। ये बनाई के एक मिनट यहाँ पे बना लें, आप लोग
जी सर, मटेरियल की बेस में 45,000 जो प्रोसेस टू में यूनिट्स जा रहे हैं, कितने आने चाहिए? सामने जी, मटेरियल की बेस में 45,000 यूनिट्स पूरे होंगे सर? मटेरियल की बेस में 4,000 यूनिट्स पूरे होंगे सर? वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों? ऑल मटेरियल कन्वर्जन की बेस में 45,000 यूनिट्स पूरे होंगे, इसकी क्या वजह? ये आउटपुट है, विच मीन्स मटेरियल और कन्वर्जन सारी लग गई होगी है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस के जो 4,000 यूनिट्स हैं, ये हाफ कंप्लीट हुआ है, तो हाफ मीन्स 2,000 आए, विच मीन्स 49,000 मटेरियल की बेस है और 47,000 कन्वर्जन की बेस है। तो ये जो यहाँ लिखना था वही सोचना है टेबल में, अब डायरेक्टली सोचा गया है तो कन्फ्यूजन तो नहीं, नहीं मतलब समझ आ गई 49 और 47 कैसे फाइनल हुआ, एनी कन्फ्यूजन? वाइंड अप कर दें, फिर निकालें पर डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाय 47 0.5 में रखा, 0.5 एंड 0.1.2 टोटल करें 1.72 पर यूनिट। एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट साथ है? जी नॉर्मल लॉस क्या? जी नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं, उस पर अगर मटेरियल ओवरहेड्स लगे हैं तो वो रिमेनिंग यूनिट्स में जाने हैं, और इसलिए बेस में नहीं लिख रहे हैं। बच जाने दे, उस सर खुदा का नाम है, ये कॉस्ट एलोकेशन एडिंग लिखा सर। कॉस्ट एलोकेशन करते हुए आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट की वर्किंग देखनी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, देखो सिंपल हुआ बता रहा है। 45,000 के सामने दोनों कॉलम्स में सेम यूनिट्स नजर आते हैं, क्या करेंगे? कंप्लीट करना है, करें करें। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय पूरा रेट इकट्ठा हो सकता है, कंप्लीट विद एवरी रिस्पेक्ट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं 4,000 मटेरियल के एंगल से पूरे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5, और 2,000 यूनिट्स जो है हाफ कंप्लीटेड है तो मल्टीप्लाइड बाय 2,000 मल्टीप्लाइड 1.22। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट देखना है आपने, अगर आप कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? आंसर्स बताएं। 7740 एंड 4440। करें लेजर फाइनल कर। रेट अगर आपका पूरा राउंड ऑफ हो जाए ना सही, पॉइंट्स में भी फर्क ना रह जाए, फिर एग्जैक्टली ये लेजर बैलेंस हो जाता है, और अगर रेट राउंड ऑफ करें तो डेफिनेटली फिर इमटीरियल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इस चीज को भी खत्म करें मेरे ख्याल से अब इस वक्त, क्योंकि रेट सही राउंड ऑफ हुआ हुआ था तो मेरे ख्याल बैलेंस तो डिफरेंस नहीं ना आ रहा। तो 77,400 एंड 4,440 टोटल हो गया 81,840। बारह देख लें जी, कोई कंफ्यूजन अगर है किसी को, एनी क्वेश्चन एनीवेयर?
जान लें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिपार्टमेंट शुरू करें, टेस्टिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस टू बना, लेजर खोलना। ये आप लोग बेटा अपने प्रॉपर नाम से काइंडली क्लास ज्वाइन किया करें। ये जरा एक साहब आरजी के नाम से पता नहीं क्या है, प्लीज प्रॉपर नाम से अपने ज्वाइन करें यार। काइंडली क्लास के दौरान कोशिश क्या करें, क्योंकि आपके अदरवाइज सॉफ्टवेयर ना ही चल रहे हो, क्लास लेते हुए प्लीज सारा ध्यान क्लास में होना चाहिए। जी सर, प्रोसेस टू जी, ब्रॉड डाउन 4000 यूनिट से यार, ये सदी क्लोजिंग में ओपनिंग बनना है यार। क्लोजिंग 4000 यूनिट्स, 4000 क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनना। किस डिपार्टमेंट का क्लोजिंग है, किस डिपार्टमेंट में ही ओपनिंग बनना है, कब? ब्लेंडिंग में ही ओपनिंग बनना है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। प्रोसेस टू में अगर ब्रॉड डाउन होता तो उसका मीनिंग क्या होना था, कि प्रोसेस टू में पिछले पीरियड में कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर है, प्रोसेस टू का पिछले पीरियड का अगर सीडी है तो उसने ब्रॉड डाउन बनना प्रोसेस टू में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। देख है तो सही है, 45,000 यूनिट्स ब्रॉड डाउन ही है, ये सही क्लियर कर लीजिए, यही बातें कंफ्यूज करनी है आगे। प्रोसेस टू में ये जो वन से आ रहे हैं ये इनपुट है या ब्रॉड डाउन है, ये डबल एंट्री हो रही है, प्रोसेस वन रेफरेंस आएगा इसका। 45,000 यूनिट्स अपने साथ पिछले डिपार्टमेंट का कितना खर्चा लाए हैं, 77,400। फिर फर्दर प्रोसेस टू में क्या ऐड हुआ है, लेबर ओवरहेड्स ऐड हुए हैं 14,200 एन 345 37,310 एंड 32,880। अब प्रोसेस टू से आगे जा रहे हैं, प्रोसेस टू से भी वो कह रहे हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो प्रोसेस थ्री शायद सही है, 40,000। नहीं लिखा हुआ यार, होने को तो हो सकता है, वो कहता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जा रहा है। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन सर, 40,000 ठीक है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है यार, तो सेकंड में अगर हम नेक्स्ट है तो थर्ड ही होगा जी। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स, 3000 के सामने 1/3 का मतलब कन्वर्जन के एंगल से कितने परसेंट काम हुआ है, 33.33 हो जाएगा, 1/3, एक सेकंड लिख लेना कैलकुलेटर, 1/3, 33.33% समथिंग। कन्वर्जन का कितना काम अभी रहता है, 2/3, 66%, कितना हो गया, कितना रहता है, 1/3 हो गया, 2/3 रहता है। नॉर्मल लॉस है जी इस लेजर में कितना, प्लीज रिमेंबर नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड ही आना है,
देन लेजर बैलेंस करें. वंस अगेन बैलेंस मींस लॉस हुआ नहीं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं हुआ. एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं हुआ, वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? इकट्ठे हो रहा यहां तक? नेक्स्ट स्टेप साथ साथ रहेगा नहीं सर? ठीक जाना नहीं है, रिकवरी पहली मतलब डैश लिख के आगे बढ़े. क्या नहीं आना, क्या नहीं है, कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू वंस अगेन अवेलेबल नहीं है, तो डैश लिख के इक्विवेलेंट यूनिट सेटिंग लिखे. दोबारा टेबल बनाया पहले. अब यहाँ काइंडली कुछ नई चीजें आनी है तो साथ रहिएगा. इक्विवेलेंट यूनिट्स लेकिन स्पेस रख लें जरा, साथ पर यूनिट इकट्ठा ट्राई करें, देखें बताएं इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में कितने कॉलम आएंगे. मटेरियल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, हाउ मेनी? एक लेबर का आएगा, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का आएगा, वो तो इकट्ठा हो जाएगा, लेबर ओवरहेड से इकट्ठा होकर कन्वर्जन हो जाएगा, बस एक ही होगा. अरे मटेरियल वर्ड सही करें, मटेरियल यहाँ कोई नहीं है. प्रोसेस टू में कहाँ है मटेरियल? ये तो प्रोसेस वन नजर आ रहा है, इसके सामने 45,000 यूनिट्स नजर आ रहे हैं, ये 77,400 सिर्फ मटेरियल नहीं है. ये अगर देखना है सही तो पिछले डिपार्टमेंट में जाए जरा, ये पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, तो मटेरियल कम अज कम ना इसे कहें वो ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. ये प्रोसेस वन से 45,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रांसफर हुई है, तो ठीक है मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मटीरियल नहीं है ये, सिर्फ मटीरियल नहीं है प्रोसेस वन का, ये प्रोसेस वन की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो 45,000 यूनिट्स पे एलोकेट हुई हुई. तो एक कॉलम तो कन्वर्जन का हो जाएगा किस डिपार्टमेंट के एंगल से, किस डिपार्टमेंट की कन्वर्जन के एंगल से कॉलम हो जाएगा, प्रोसेस वन या टू? प्रोसेस टू में सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रोसेस वन की जो फिगर है ये भी किसी कॉलम में आनी है? इसको हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर चुके हैं, जरा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन ढूंढने. जरा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बहुत पीछे जो पहला सवाल किया था प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें प्रोसेस टू में जाए जरा. प्रोसेस टू में को प्रोसेस वन रेफरेंस लिखा हुआ, कितनी अमाउंट लिखी हुई सामने? 1150. 1150 की एंट्री बोले तो ये इनपुट के तौर पे आया था प्रोसेस वन से. नीचे पर यूनिट की वर्किंग देखें, क्या ये 1150 कंसिडर हुआ हुआ? पर यूनिट की वर्किंग में कंसिडर हुआ हुआ है? कंसिडर तो हुआ हुआ, लेकिन ये वो जमाना होता था जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ एवरी आइटम इज सेम, हम सेम यूनिट्स बेस में लिख लेते थे, लेकिन अब वर्किंग प्रोसेस बीच में आ गए. एक और चीज देखें जरा, क्वेश्चन आंसर नंबर टू में जाए, प्रोसेस वाई और जी देखें, प्रोसेस एक्स क्यों नहीं कह रहा देखने को? प्रोसेस एक्स क्यों नहीं कहा मैंने देखने को? प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली फिगर कहाँ आएगी, वन में आएगी या वन के बाद वालों में आएगी, सेकंड में भी आएगी, थर्ड वगैरह में भी आएगी? प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी एक फिगर आएगी अगर सेकंड या सबसीक्वेंट कोई डिपार्टमेंट होगा, तो उसमें अब प्रोसेस वाई में प्रोसेस एक्स से कितने रुपीज आ रहे हैं? नीचे पर यूनिट में देखिए वो आ रहा है. प्रोसेस जी में जाए, वहां भी प्रोसेस एक्स से जो आ रहा है वो भी पर यूनिट में आ रहा है. आ रहा है सर प्रोसेस, सॉरी वाई से, प्रोसेस वाई से आ रहा है जी में और पर यूनिट में भी आ रहा है, तो क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की भी बेस बनती है पर यूनिट की? फिगर देख लेना पहले, असल में होना क्या है, एक सर बोर्ड पे देखें जरा, यही इधर ही रहेगा जिधर आप हैं, पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो बोर्ड पे देखें. ये जो 40,000 यूनिट्स बने हैं, इनके सामने जो अमाउंट आएगी
वो प्रोसेस 1 की आएगी या 2 की आएगी? ये 40,000 यूनिट्स है, ये है क्या? ये आउटपुट है, प्रोसेस 3 में जा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट तक की आउटपुट है ये? तो क्या प्रोसेस 2 तक का खर्चा 1 प्लस 2 का खर्चा कंबाइन इसके सामने आएगा या सिर्फ 2 का आएगा? ये सिर्फ 2 का आएगा यार, 1 का आतोगे? देखिए अगर फर्स्ट में 3 प्रोसेसेस हो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 सपोज, जो यूनिट्स बनेंगे आउटपुट प्रोसेस 1 की, उसकी डबल एंट्री हो रही है प्रोसेस 2 डेबिट प्रोसेस 1 करेंगे। लेट्स सी, यहां तक 1 लाख का खर्चा हुआ, यहां इनपुट बन जाएगी प्रोसेस 1 के रेफरेंस से 1 लाख रुपीस, ठीक है। सपोज 50,000 का खर्चा और ऐड हुआ, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स और ऐड हुआ, और सपोज ये सारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए, प्रोसेस 3 में कितने रुपीस आएंगे? 1 लाख आएगा, 50 आएगा या 150 आएगा? व्हाट इज द मीनिंग 150? प्रोसेस 2 तक 1.5 लाख का खर्चा हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, प्रोसेस 3 में कितनी अमाउंट आएगी इनपुट के तौर पे? 1,50,000, रेफरेंस प्रोसेस 2 आ जाएगा। अब सपोज यहाँ फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गई, 70,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो फिनिश गुड्स के सामने अब क्या आना चाहिए? लाख आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 70 आना चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आना चाहिए। कमीशन से 220 आएगा, क्या ख्याल है? गुड्स को बनाने का टोटल खर्चा एक्युमुलेट हो जाएगा ना, फिर फाइनली एंट्री बन गई फिनिश गुड्स डेबिट एंड प्रोसेस 3 क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स जब बनी है तो प्रोसेस 1 में भी खर्चा आया, प्लस प्रोसेस 2 में भी आया, प्लस प्रोसेस 3 में भी आया। अब अपना लेजर देखें जरा, 40,000 वाला, 40,000 किस डिपार्टमेंट की आउटपुट है? प्रोसेस 2 की। क्या ये प्रोसेस 1 के एंगल से पूरी है? सर जी, प्रोसेस 1 का काम हो गया है, प्रोसेस 2 का भी 100% हो गया है, तो इसके सामने दोनों प्रोसेसेस की टोटल कॉस्ट आनी चाहिए, क्या ख्याल है? लेकिन बात को जरा सही क्लियर करें, नीचे 3,000 पे है, जरा इधर इधर नीचे 3,000 यूनिट्स पे, 2,000 यूनिट्स की बहस क्यों नहीं कर रहा? उस पे जो भी कॉस्ट आई है वो रिमेनिंग में एलोकेट होता नहीं। अब जो 3,000 यूनिट्स है, ये वर्क इन प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस में, क्या ये 3,000 यूनिट प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे? वही मतलब सर जी मैंने पूछा, क्या ये 3,000 यूनिट्स प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे? क्या मतलब? क्या ये 3,000 यूनिट्स प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे हैं? और जाने दें जरा, क्वेश्चन पढ़ें जरा, सेकंड लास्ट लाइन, वो तो कहता है 1/3 पूरे हैं। मेरा तो कह रहा है जब इन 3,000 यूनिट्स ने पूरा हो जाना है तो इन्हें दोबारा प्रोसेस 1 में जाना है, फिर वहां का काम होगा, फिर वापस आएंगे। ये किस प्रोसेस में वर्क इन प्रोसेस है? तो क्या प्रोसेस 1 का काम कंप्लीट हो गया होगा? तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस प्रोसेस की दी हुई? 1/3, ये 2 की दी हुई है, ये प्रोसेस 2 में वर्क इन प्रोसेस है। वैसे जरा विजुलाइज करें काइंडली, लेट्स अज्यूम मैं कुछ शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 प्रोसेसेस हैं, एक को कटिंग डिपार्टमेंट है, लेट्स अज्यूम को स्टिचिंग है, और कोई सपोज पैकिंग है बाद में। अगर स्टिचिंग डिपार्टमेंट में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, कटिंग स्टिचिंग पैकिंग, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, तो क्या उसका क्लॉथ कट गया होगा? हाँ, सिया पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है पैकिंग डिपार्टमेंट में, क्या कटिंग पूरी हो गई होगी? स्टिचिंग भी पूरी हो गई होगी, फिर वर्क इन प्रोसेस क्यों है? थोड़ी पैकिंग रहती होगी। तो किन दो डिपार्टमेंट के एंगल से पैकिंग डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट होगा? पहले दो के एंगल से, स्टिचिंग कटिंग जो भी है, और पैकिंग डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम रहता होगा, इसलिए वहां वर्क इन प्रोसेस है। सपोज 50 प्रोसेसेस में काम हो रहा है, 50वें प्रोसेस में वर्क इन प्रोसेस है, फर्स्ट 49 प्रोसेसेस के एंगल से 100% होगा। ये कुछ अजम्पशंस है, ये लॉजिकल बात है। अगर सीक्वेंस में काम हो रहा है तो वर्क इन प्रोसेस फिर कहां होगा? 50वें प्रोसेस का कुछ काम रहता होगा।
तो 3000 यूनिट्स प्रोसेस टू में इन प्रोसेस है, तो प्रोसेस वन के एंगल से ये पूरे होंगे, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से ऑब्वियसली आपको नहीं पता, तो एग्जामिनर बताएगा कि इस डिपार्टमेंट की कन्वर्जन के एंगल से 1/3 कंप्लीट है। सही है, क्लियर है मेरी बात? एक छोटा सा सेंटेंस लिखें इन 3000 यूनिट्स के साथ। ये आगे तो इसकी अमाउंट आनी है, थोड़ा सा आगे जगह बना कर या नीचे थोड़ी सी एक जगह स्पेस बनाना। दीज यूनिट्स आर, दीज यूनिट्स आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस वन, एंड वन बाय थ्री कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस टू। वन बाय थ्री कंप्लीट, वन बाय थ्री कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन लिख लें। With respect to conversion of process two, ठीक है? ठीक है सर। अब दोबारा लेजर की डेबिट साइड देखें। अब बताएं फाइनली व्हाट आर कॉस्ट कंपोनेंट्स हियर? प्रोसेस वन ही उसे कह लेते हैं। एक प्रोसेस वन का खर्चा इस वक्त कॉस्ट कंपोनेंट के तौर पे आ रहा है और एक कन्वर्जन के नाम से आ रहा है, तो प्रोसेस वन और कन्वर्जन के नाम से दो कॉलम बना करेंगे अगर हम सेकंड प्रोसेस में होंगे। अगर फर्स्ट प्रोसेस में आप हैं तो फिर प्रोसेस वन का कॉलम बनेगा। असल में यहाँ प्रोसेस वन जो है ना वो प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिए वर्ड है। हम किस प्रोसेस में हैं? टू में, और प्रोसेस वन का यहां मतलब प्रीवियस प्रोसेस है। तो किस डिपार्टमेंट में अगर आप होंगे तो प्रीवियस प्रोसेस होगा ही नहीं। अगर पहले में आप होंगे फिर प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप फिफ्थ प्रोसेस में हैं, सिर्फ फोर्थ बनेगा या चारों बनेंगे? और जाने दे सर, सिर्फ फोर्थ बनेगा या चारों बनेंगे? और नहीं सर, कोई नाम फोर्थ का नहीं आएगा। फोर्थ का नाम तो आएगा, चले हाँ ये बात वैसे सही है भाई, फोर्थ का नाम आएगा लेकिन खर्चा कितना होगा? इधर आए, इधर आए, इधर बोर्ड पे देखें। ये जो 1.5 लाख आया था, ये जो मैंने 1.5 लाख यहाँ से ध्यान लेके गया था प्रोसेस टू से प्रोसेस थ्री में, ये डेफिनेटली रेफरेंस के तौर पर तो प्रोसेस टू आ रहा है, लेकिन इस 1,50,000 में कौन कौन सा खर्चा आ रहा है? 1+2 आ रहा है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 50 में हो तो प्रीवियस 49th वाले का रेफरेंस होगा, लेकिन वो फर्स्ट 49 प्रोसेसेस का टोटल खर्चा होगा प्लस 50th प्रोसेस का खर्चा, ऐड होकर टोटल कॉस्ट बनेगी। बहरहाल इसको अभी इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस डिपार्टमेंट कब हमारी बहस में आएगा? जब सेकेंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस होगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट हमारी बहस से बाहर कब होगा? जब पहला प्रोसेस होगा। पहले के अलावा अगर कोई सेकंड है या कोई सब्सिक्वेंट है, ये समझ रहे कि सब्सिक्वेंट दूसरा या तीसरा वगैरह वगैरह, पहले के अलावा अगर है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अब बनाए कॉलम और इसको मटेरियल ना ही कहें, मटेरियल मींस हो जाता है सिर्फ मटेरियल। इस प्रोसेस वन की जो अमाउंट है इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऑफ प्रोसेस वन है, बहरहाल इसके ऊपर प्रीवियस प्रोसेस भी जरूर लिखेगा। एनी कन्फ्यूजन बात ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी करें जरा कंप्लीट आगे करें, ये पर यूनिट बनाने की कोशिश करें, जरा अमाउंट से होना पर यूनिट बना।
एक कन्वर्जन के साथ में इंटेंशनली टू लिखा, इसी क्या वजह? कन्वर्जन टू, ये कन्वर्जन प्रोसेस टू की है और प्रोसेस वन का वो खर्चा है। ठीक है, 77,400 और 37,310 प्लस 32,800। जी सर, प्रोसेस टू में जाने 40, थ्री डी प्रोसेस में है 4, 3, ये 40,000 आएगा जी बेस पे। किस किस की? प्रोसेस वन की भी और कन्वर्जन की, और 3,000 ऐसे फैसला करना था। प्रोसेस वन के एंगल से 3,000 यूनिट्स पूरे हैं, फिर ये इन प्रोसेस की अगर ये पूरे हैं, किस डिपार्टमेंट के एंगल से 100% है, किसके एंगल से 1/3 है, जान ले स्टूडेंट्स, क्लियर है प्लीज? एनी कन्फ्यूजन सर एनी वेयर? कर लें, कंप्लीट कर लें बस। प्रॉब सर बस यही था, एक नई चीज कि अगर आप सेकेंड या सबसिक्वेंट प्रोसेस में होंगे तो एक एक्स्ट्रा कॉलम भी होगा। क्या आंसर आ रहा है? 1.8 पर यूनिट, 1.71 पर यूनिट। टोटल 3.51 करें जी, कॉस्ट एलोकेशन भी खुद से करें। इक्वल यूनिट्स का टेबल देखें, पर यूनिट देखें। एनी कंफ्यूजन? 14 to 3.1, 140,400, 3,000 into 3,000 into 1.8, 1,000 into 1.71। Once again, अलहमदुल्ला रेट पूरा राउंड ऑफ हुआ है 1,7,110। प्लेस करें फिगर्स। करें करें फाइनल करें। ये फिगर्स बेटर ठीक है आपके? 1.8, 1.71। लेजर मैच करें तो लेजर इलेक्ट्रिक वगैरह से भी मैच हो जाएगा। मसला समटाइम्स क्या हो जाता है कि रेट राउंड ऑफ हुआ था, जिसकी वजह से कुछ डिफरेंस रह जाता है।
हो गया कंप्लीट, 14400 में किस किस प्रोसेस का कितना खर्चा है? कर दे हिम्मत कर दे, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों का 100% खर्चा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने प्रोसेस 1 का 100% है और प्रोसेस 2 का 1/3 है। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें, ये बात समझ आती है? 40 40 हजार दोनों में सेम होने का मतलब कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1 एज वेल एज प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में है ही कन्वर्जन, और 3000 और 1000 देख के क्या पता चलता, कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1 बट 1/3 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2। ठीक है, अब ये चलो आगे। जी ये जो 7110 है फाइनली, 3000 यूनिट्स और 7110, ये जो अभी आप बात कर रहे थे, क्या ये जो सी डी ए बी डी बनेगा 3000 7110 नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, इसी डिपार्टमेंट में टेस्टिंग में प्रॉब्लम बनेगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, विच मीन्स के ये जो 100% काम प्रीवियस डिपार्टमेंट का और 1/3 हो चुका है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, बस किस डिपार्टमेंट का कितना रहता है? टेस्टिंग डिपार्टमेंट मीन्स प्रोसेस 2 का ही बस 2/3 रहता है। कौन कौन सा कितना कितना हो गया? प्रोसेस 1 का 100% और कन्वर्जन का 1/3 हो गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इसी प्रोसेस में, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब 2/3 और इस पीरियड इस डिपार्टमेंट की कन्वर्जन लगेगी, फिर ये आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस क्लोजिंग ने इसी प्रोसेस में नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बना। ठीक है, चले सर जी, अब इसके बाद तो बड़े से क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन आज मेरा ख्याल राइट टाइम नहीं है बड़े क्वेश्चंस का। इंशाल्लाह जब आप दोबारा वापस आएंगे एक नए जज्बे से, फिर जिंदगी का आगाज यहीं से करेंगे। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मुलाकात वेडनेसडे को होगी। असूलन बनती तो नहीं है, लेकिन शायद कल का दिन आपको अपने साथ अकेले चाहिए। जी असल में आप तो कल भी आना चाह रहे हैं, परसों और ट्यूजडे को भी आना चाह रहे हैं, लेकिन जरा मैं बूढ़ा हो गया तो जरा थकावट के आसार है, मैंने कहा जरा छुट्टियां हो जाए कुछ। खाना असूलन तो अब किसको खिलाना चाहिए, और अगर वो ना भी हो सके तो मेरा फिर भी बनेगा नहीं। हाँ, खाना खिलाने में मेरे इतराज कोई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें छुपा यही हुआ कि पैसे आप ही देंगे। इरादा तो बंदा कर ले, मैंने कभी खाया पहले कभी, तो नीयत हमारी ठीक नहीं ना, इसी वजह से मसले होते हैं। अल्लाह हाफिज सर।